एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी मूवी है जो आपको ऐसी रियलिटी से वाकिफ कराएगी जिसको देखने के बाद आप में से कई लोगों को गुस्सा आएगा सच में। सो हेलो दोस्तों, आज हम द रिव्यू लैब में कापाई रणसिंघम का मूवी रिव्यू देखेंगे जो एक तमिल मूवी है जिसका हिंदी डब भी किया गया है जो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये जी प्लेक्स पे भी अवेलेबल है। तो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। इस मूवी में आपको लीड रोल में विजय सेतुपति और ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि रणसिंघम एक ऐसा बंदा है जो अपने गाँव और बाकी सारे गाँव के प्रॉब्लम को समझ के उसे दूर करना चाहता है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है और उसे गाँव के सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं। मूवी आपको स्टार्टिंग में स्लो लगेगी लेकिन अगर आपने ये पूरी मूवी देख ली तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मूवी देखने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। और मूवी के लास्ट के एक दो मिनट आपको 440 वोल्ट का झटका देके जाएंगे। मूवी 3 घंटे की है, आई नो काफी लंबी है और कई जगह पे आपको थोड़ी देर के लिए बोर भी लगेगा। मूवी की स्टोरी रियलिटी पे बेस्ड है सो आपको रियल सीन विदाउट एनी ओवर ड्रामा देखने को मिलेंगे जो इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत है। मूवी में बात है कि जो लोग फॉरेन में जाते हैं अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो ऐसे ही फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में मजदूरों को ले जाते हैं जो उनके लिए तो बड़े कम पैसे हैं लेकिन उन मजदूरों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसा है। और अगर कोई भी बंदा हो उसको अगर सेम काम करने के लिए कहीं पे ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो जाएगा ही, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हमारे देश के मजदूरों को फॉरेन कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए हमारा सिस्टम क्या करता है, और वो मूवी में बड़े ही अच्छे और आई वुड से सच्चे तरीके से दिखाया गया है। मूवी में विजय सेतुपति है तो ऑब्वियसली एक्टिंग तो उनकी क्लासी है लेकिन मूवी में आपको ऐश्वर्या राजेश की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगेगी और आपको इम्प्रेस कर जाएगी। मूवी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि मूवी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। इस मूवी को मैं 5 out of 4.5 दूंगा। मूवी मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हो या फिर आप जी प्लक्स पे भी इस मूवी को देख सकते हो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखने को पसंद है तो उस पर मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.